हाय फ्रेंड्स, टेक इंडिया ईमेल चैनल में आपका स्वागत है। मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट फॉर अमेज़न सेलर और सेलर फी इनवॉइसेस रिपोर्ट फॉर अमेज़न सेलर, ये दो रिपोर्ट्स कैसे डाउनलोड, सेव और प्रिंट कर सकेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे से इस चैनल से आपको आइडिया मिलेगी कि किस तरह से आप अपने अमेज़न सेलर प्रोफाइल को 5-स्टार कर सको। जैसे आप देख सको, मेरे सामने मैं जो प्रोफाइल मैनेज करता हूँ उसमें भी 5-स्टार मिले हैं, तो आपको भी किस तरह 5-स्टार कर सकोगे। अगर आप दूसरे वीडियोस पे आप चेकआउट करेंगे चैनल के, तो आपको भी सीखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम है आपका टेक इंडिया A1 चैनल पे, जिसमें हम अमेज़न सेलर के लिए न्यू टिप्स, ट्रिक्स, अपडेट्स, पॉलिसी चेंजेस, न्यूज़ और डेमोस, ट्यूटोरियल्स लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन बेल क्लिक करके साथ में बेल का नोटिफिकेशंस को भी ऑलवेज ऑन एनेबल कर दीजिए, ताकि आप कोई न्यू अपडेट अमेज़न सेलर सेंट्रल की मिस ना कर सके इस चैनल से। तो फ्रेंड्स, आज के चैनल में मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट हम कैसे उसको डाउनलोड करेंगे और सेलर फी इनवॉइसेस रिपोर्ट, ये दो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आपकी टैक्स फाइलिंग और GST परसेंटेज के लिए काम आती है, तो ये हम रिपोर्ट्स इस वीडियो पे देखेंगे। और इसके पहले मैं आपने अगर नीचे इस चैनल के दूसरे वीडियोस भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना, ताकि आपको और भी इम्पॉर्टेंट क्लियर हो जाएंगे इस पॉइंट से। और वीडियो कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज ब्राउज़र पे कैसे हम उसको देखेंगे। उसके लिए आप अपने मेन मेनू पे जाइए और इसमें देखिए रिपोर्ट्स का एक सेक्शन है, नीचे से पांचवा नंबर, फोर्थ नंबर, रिपोर्ट्स को क्लिक कर दीजिए। रिपोर्ट्स में सब मेनू आ गए, उसमें टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी को क्लिक कर दीजिए। अभी इसमें दो रिपोर्ट्स हमको ढूंढनी है। सेकेंड टैब जो आता है सेलर फी इनवॉइसेस, उसको क्लिक करना है। इसमें जो अलग अलग महीनों की रिपोर्ट से अगर आपके उसमें व्यू करके आप क्लिक करोगे, तो मैं व्यू करके बताता हूँ, तो वो आपका PDF फाइल खुल जाएगा रिपोर्ट्स का। इससे इस तरह से आप रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप राइट साइड पे जो व्यू मेन्यू है उसको क्लिक करते जाएंगे, तो उस मेन्यू के आपके सब रिपोर्ट्स PDF फाइल उसका डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। ये थी एक रिपोर्ट। अभी उसी टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में लास्ट में आप आ जाइए, मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट को क्लिक कर दीजिए। इसमें जो न्यूएस्ट रिपोर्ट्स है वो आपको ऊपर दिखेगी, उसको आपको B2C रिपोर्ट, B2B रिपोर्ट, वो दोनों को क्लिक करके डाउनलोड करना है। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, जो ऑर्डर्स आए हैं, जो कस्टमर के ऑर्डर आए हैं बिगर कोई कंपनी से, बिजनेस से। और B2B रिपोर्ट मतलब बिजनेस की कोई रिपोर्ट ऑर्डर आए उसकी रिपोर्ट से। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट से वो आपको ऊपर B2C B2B क्लिक करोगे तो मिल जाएगी। ये देखिए, ये ऊपर के जो B2C या B2B है, मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ। उसको क्लिक करोगे तो नीचे देखिए फाइल डाउनलोड हो गया, जिप फाइल। उसके सेकंड B2B क्लिक किया तो उसी तरह से फाइल नीचे डाउनलोड हो जाएगा, जिप फाइल। देखिए वापस B2B रिपोर्ट, जिप फाइल। और अगर आपको पहले महीनों की डाउनलोड करनी है तो सिलेक्ट मंथ करके वो मंथ को सिलेक्ट कर दीजिए और B2C B2B या सिलेक्ट कर दीजिए और नीचे डाउनलोड रिपोर्ट्स को क्लिक कर दीजिए, तो आपको वो रिपोर्ट भी, पिछले महीनों की भी रिपोर्ट क्लिक हो जाएगी। इस तरह से आप मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट्स और सेलर फी इनवॉइस रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे वो आपने देख लिया। अगर सीखने को मिला ज़रूर, तो लाइक भी कर देना। अपने दोस्त जो अमेज़न पे सेल करते हैं, जिनको अमेज़न पे सेल करने का शौक है, उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिलते, वो भी आपके शेयर से खुश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, होपफुली आप भूलना नहीं नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना और दूसरे वीडियोस चेकआउट कर लेना, ताकि जो आपने मिस किए होंगे इस चैनल से अमेज़न सेंट्रल के। तो थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए।